तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो हम लोग के साइड ना यूपी एरिया में, मतलब जो हम लोग का होम टाउन है उस एरिया में, पानीपुरी के साथ एक सामान और बेचा जाता है जिसको बोलते हैं पेटीज। क्या बोलते हैं भैया? पेटीज बोलते हैं ना। मतलब मैंने आपको करेला दिखाया तो करेला मेरे को ना थोड़ा सा एकदम डिफरेंट लगा था। लिटरली मैं बताऊँ तो देखो टेस्ट उतना साफ साफ नहीं था, उसका मज़ा नहीं आया था। लेकिन आज पेटीज ट्राई करेंगे कैसा लगता है, मेकिंग देखते हैं भैया की। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही पेटीज। और ये आमतौर पर ना यहाँ पर पानीपुरी दुकानों पर रहती है, बट भैया अपनी दुकान खोले हैं, छोटी सी शॉप खोले हैं तो यहाँ पे भी है। तो ज़्यादातर ये पानीपुरी के साथ रखते हैं और गर्म करके रखते हैं तवे के ऊपर। और कुछ लोगों ना काउंटर भी आता है ना भैया इसका एक साथ में, जिसमें गैस लगा रहता है तो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए भैया की मेकिंग देखते हैं। और चल बनाइए भैया, क्या बनाए? एक 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 बनाइए। तो इसको सेका जाएगा ना दोनों तरफ से, एक तरफ से सेक दिए हैं तो ऑयल में सेकते हैं कि ऐसे ही सादा, थोड़ा सा तेल लगा के ना। हाँ, थोड़ा सा तेल लगाया वो सादा ही तेल। और ये अंदर अंदर से फाड़ दिए। तो ये देखिए आलू का मसाला ऑलरेडी इसमें रहता ही है और साथ में थोड़ा सा और अलग से डाल दिया जाता है। तो ये मसाला जो आप डाले हैं अभी इसमें, ये पहले से था कि अभी डाले हैं? पहले से भी था अभी, और अभी भी डालते हैं। तो ये मसाला जो ये मसाला रखे हैं इसमें आलू है, मिर्ची है और मसाला है, धनिया जीरा, धनिया जीरा का मसाला है। तो इसको फ्राई कर रहे हैं भैया। नीचे जो आलू डाले ना अभी कच्चा है, उसके बाद फ्राई हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करिएगा आप लोग कि आप लोग की तरफ ये सामान मिलता है कि नहीं। भाई मेरे छत्तीसगढ़ में तो ये नहीं मिलता, बट यूपी में देखा हूँ ना आमतौर पर सभी जगह पे मिलता ही है। तो यहाँ पे देखिए फ्राई करके ना ये टमाटो सॉस डाल दिए हैं। ये टमाटो सॉस डालने के बाद ये पत्ता डाल दिए। नहीं मेरे को लगा ना प्याज ही मिक्स है, प्याज अलग से डाल रहे हैं, लेकिन ये प्याज डाल दिए। और ये नीचे गैस चालू ही है, मतलब ये कंटिन्यू गर्म हो रहा है। ये टमाटर, उसके बाद ये लाल मिर्च डाल दिए, ये सफ़ेद नमक, ये क्या है भैया? ये काला नमक बोलते हैं ना इसको, ये काला नमक डाल दिए। ये मिक्सचर, मतलब आपको पता है ना पेस्ट्रीज के बाद मसाला डाले, फिर पत्ता डाले, फिर टमाटर प्याज और जीरा का मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर और उसके बाद ये नमकीन, ऊपर से टमाटो सॉस थोड़ा सा। और ये देखिए बस भैया, ज़्यादा नहीं खाता मैं टमाटो सॉस। ये क्या है? खट्टा वाला सॉस। ये घर में बनाते हैं इसको कि नहीं? आता है, आता है तीखा वाला, तीखा खट्टा। हाँ। चिल्ली सॉस बोलते हैं ना। हाँ, चिल्ली सॉस। ये क्या है? दही, मलाई, वो मिनिस मेयोनीज। हाँ। मेयोनीज भी डालते हैं आप? हाँ। ये गैस मेयोनीज भी आ गई, रेडी हो गया। तो ये रेडी हो गया भैया, देखिए पेपर में दे रहे हैं। क्या रेट है भैया इसका? क्या रेट है इसका? 15 रुपये। तो ये 15 रुपये का फाइनली अपना पेटीज बनके रेडी हो गया। तो ये देखिए काफ़ी कुछ इसमें डला हुआ है, तो फाइनली इसको अपन टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, आई होप टेस्ट में लगे। तो काफ़ी हैवी है, इसको उस सैंडविच की तरह खाया जाता है ना, ऐसे मोड़ के ज़्यादा मोटा है। एक मिनट, ठंडा रहता है अंकल जी बोल रहे हैं, ठंडा रहता है, गर्म है तो पहले तो मुंह जल जाएगा ना पेट के अंदर, बाद में ठंडा होगा। टेस्ट बढ़िया है भाई, करेला तो वही अच्छा लगता है जो घर में फ्राई करते हैं। इसमें जो जो सामान डाला आप लोगों ने देखा। तो ये पेटीज कहाँ से लाते हैं भैया? ये वाला कितने की पड़ती है? एक सिंगल 5 रुपये की खाली, मतलब 5 रुपये की ये खाली पेटीज पड़ती है, इसके अंदर मसाला वगैरह डाल के इसको 15 मिनट 20 में बेचना चाहिए। इतना सामान डाले, दुनियादारी, 3, 13, 14, 15, नहीं मजाक नहीं, 20 में बेचना चाहिए। क्योंकि अगर ये हम लोग तरह बेचाए ना, हम लोग तरह बेचाते नहीं छत्तीसगढ़ में, हालांकि तो ये कम से कम 20 रुपये की बिक्री हो इसका, और काफ़ी हैवी भी है। टेस्ट बढ़िया है भाई। तो भाई पेटीज मैंने खा ली, बट बाई मिस्टेक मैंने ये बोल दिया कि छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती, बट मिलती है, बट पानीपुरी की दुकानों में नहीं। ये मैंने नोटिस किया, वहाँ पानीपुरी की दुकानों में ना चाट और पानीपुरी मिलेगी, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मान लो दही भल्ला या फिर दही बड़ा वगैरह मिल जाएगा, बट पेटीज ना उसके साथ नहीं रहती। तो ये भैया जो रखे हैं यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं छोटा सा, और अंडे वगैरह और पेटीज वगैरह बेचते हैं। बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम ठेलों में ना पेटीज ही मिल जाएगी। पेटीज पहले 10 रुपये के बेचते थे ना? पहले 10 रुपये के बोल रहे हैं, क्योंकि पहले 3 रुपये की पेटीज पड़ती थी, मैं सुना हूँ। हाँ, पहले 3 रुपये की पेटीज भी पड़ती थी, और अब आलू महंगी भी हो गई, और इन्फ्लेशन भी मालूम इंक्रीज हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही भाई। तो ये 15 रुपये का देते हैं, इससे पैसा बच जाता है आपको? हाँ, 4-5 रुपये। और कितने पीस निकाल लेते हैं रोज़? ऐसे निकाल लेते हैं
30-35। सही है, मतलब वो कहीं बेचते हैं पानीपुरी और चाट वगैरह बतासे वगैरह? और उसमें फिर ये दुकान भी चलाना है ना वो। अच्छा, ये दुकान भी रखी है, मतलब पान ठेला टाइप से, एग है देखो, मूँगफली है वगैरह सब, और अकेले पूरे दुकान संभालते हैं? हाँ, तब सही है। यहाँ पे पानीपुरी दुकान वाले भी ना, मान लो पानीपुरी रखते हैं, चाउमीन रखते हैं, और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान रखने लगते हैं, चाट टिक्की बर्गर पेटीज, कुछ कुछ दुकानों में सब दिखाऊंगी ये सब सामान रखते हैं। बट हम लोग तरफ से मैं हूँ तो मैं सिर्फ चाट और पानीपुरी बेचता हूँ, क्योंकि इसी दोनों को हैंडल नहीं कर पाता तो बाकी सामान कैसे। तो यहाँ पे मान लो विलेज एरिया में ना भीड़ वगैरह कम होती है तो सब सामान हैंडल करके मान लो जो इनकम होती है ना वो लोगों की बन जाती है। बट अगर भीड़ ज़्यादा हो तो सिर्फ एक ही सामान बेचोगे तो उससे भी इनकम क्रिएट हो जाएगी, बट यहाँ पे मैक्सिमम सामान मल्टीपल सामान बेचना पड़ता है तो भी इनकम क्रिएट होती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लिटरली बताऊँ ना तो पेटीज मेरे को अच्छी लगी, हम लोग के एरिया मान लो छत्तीसगढ़ तरफ मिलती है, मैं फ्लो में कुछ बोल दिया था गलत उसके लिए सॉरी, कि तो वहाँ पे ना 20-30 रुपये के साथ मिलती है, लेकिन ये भैया 15 रुपये देती हैं। अब भाई कितने का मिलता है पवन? 25 रुपये। पवन वहाँ पे है बोलता है 25 रुपये का मिलता है अंबिकापुर में, बट मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, खाया भी नहीं, और हम लोग विलेज एरिया में मिलती है भाई तो मेरे को नाम भी आता। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।